बलरामपुर में एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के तुलसीपुर विधायक के भतीजे और उनके प्रतिनिधि द्वारा कानून व्यवस्था को तार तार करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सदर तहसील गेट के सामने करीब 1 महीने पहले हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग 4 युवकों को बुरी तरह से लाठी डंडों के जरिए पीट रहे हैं, युवकों से गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल घटना 27 जुलाई की रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में तहसील गेट के सामने सैखुइया गांव के रहने वाले कुछ लड़कों से एक कंप्यूटर की दुकान पर रहने वाले कुछ लड़कों से विवाद हो गया। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा तो कंप्यूटर के दुकान पर रहने वाले लड़कों ने तुलसीपुर से भाजपा विधायक कैलाश नाथ शुक्ला के प्रतिनिधि अमरनाथ शुक्ला और उनके भतीजे सोनू शुक्ला को बुला लिया। जब ये दोनों पहुंचे तो इन्होंने दबंगई दिखाते हुए युवकों को लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। हम पानी भरने गए थे वहाँ 27 तारीख को। क्या हुआ आपके साथ? पानी भरने गए वहाँ, कुछ दुकान पे खड़े थे, वो गाली गुप्ता देने लगे। हम भी नशे में थे, गाली वाली हम भी दे दिए। इतने में उनके लेबर मारने लगे, फिर विधायक जी को उनके उनके लड़के भतीजे आए, वो भी मार रहे थे, पुलिस के सामने भी मार रहे थे, थाने में आके उन लोगों में फिर मारा विधायक के लड़के लोग। पिटाई थाने भी? वो लोग हाँ, थाने के अंदर भी मारे। हाँ, थाने के अंदर भी मारे। एक वीडियो की जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के जो हैं वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जानकारी की जा रही है और ये पता चला है कि इस प्रकरण में एक अभियोग भी पंजीकृत है। इस पूरे मामले की गहनता से जानकारी करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।